हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद डीजे। तो दोस्तों, आमतौर पे ऐसा होता है कि हर एक इंसान जो है उसको एक ना एक बार हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो चाहे बीमारी में जाए या फिर किसी को देखने के लिए जाए या किसी भी सिनेरियो में उसको जाने की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे इंडिया में क्या होता है, जो भी लोग होते हैं वो या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं अपनी अपनी जेब के अकॉर्डिंग। तो जो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं उनके अलग परेशानियां होती हैं, उनको दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर भी नहीं मिलते, फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती। और जो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं उनके साथ भी परेशानियां ही हैं, क्योंकि इलाज बहुत महंगा होता है, कई बार डॉक्टर टेस्ट के पैसे ज़्यादा ले लेते हैं और बिल इतना ज़्यादा बन जाता है कि इनकी पॉकेट भी अफोर्ड नहीं कर सकती और उनका इंश्योरेंस भी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि चलो UK या US जैसी कंट्री में आके हम अपना इलाज कराएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ आधी सच है, क्योंकि UK US इन कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी इंडिया में ही इलाज कराने आते हैं। तो चलिए, मैं इतने ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये पूरा का पूरा लेक्चर नहीं दूँगा इसके लिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर हॉस्पिटल आया हुआ है, मेरे बच्चे का एक हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट है। तो आपको मैं दिखाऊँगा यहाँ पर UK के सरकारी अस्पताल किस तरीके के होते हैं। और एक दूसरी बात जो आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि तकरीबन सितंबर के टाइम में जब मेरी फैमिली जब इंडिया से UK आई थी, तो उस टाइम पे मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था और मुझे अपॉइंटमेंट आज मिला है। तो दोस्तों, ये देखिए 9 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिला है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी देर में अपॉइंटमेंट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, अब चलते हैं हम। तो आप ये देखिए, जो पूरा का पूरा जो कैंपस है, ये रॉयल इन्फर्मरी वाला कैंपस है। रॉयल यहाँ पर UK में हर चीज़ के आगे रॉयल लगाते हैं, चाहे बोटैनिकल गार्डन हो उसको भी रॉयल लगा देंगे, हॉस्पिटल की जो चेन हो उसको भी रॉयल लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो कैंपस है यहाँ पर अस्पताल ही हैं। और ये दोस्तों, ये सारे के सारे सरकारी अस्पताल हैं, अगर आप ये जहाँ भी आपकी नज़र जा रही होगी ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। तो चलिए, हम चलते हैं अपने हॉस्पिटल में जहाँ अपॉइंटमेंट हमें मिला है, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पर। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का न्यूरोलॉजी क्लिनिक है। और ये मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, ये है बच्चों का सरकारी अस्पताल। तो देखिए कितना शानदार अस्पताल है, अपने इंडिया में तो गंदगी गंदगी रहती है, और यहाँ देखिए कितना साफ सुथरा, बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल बनाया हुआ है। अब आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा है। ये देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं इस पूरे कैंपस के अंदर, और बहुत ही दोस्तों बहुत ही बड़ा है, तकरीबन ये मुझे लगता है कि आधे किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमें लेटर मिला था, इसमें डेट लिखा हुआ है, हमारा एड्रेस और ये। और दोस्तों, इसी लेटर के साथ हमें एक चीज़ और मिली थी, उसमें ये बताया हुआ था कि अगर आप लो इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो आपको आने जाने का भी पैसा दे दिया जाएगा। तो ये देखिए कितना शानदार अस्पताल बना हुआ है, ये और ये सरकारी अस्पताल है। ये देखिए दोस्तों, देखो आप बिलीव नहीं करोगे, ये प्राइवेट अस्पतालों को भी फेल कर रहे हैं। यहाँ ये देखिए कैफेटेरिया बना हुआ है इधर। ये देखिए यहाँ पर कैफेटेरिया में बैठने की जगह है यहाँ पर। ये देखिए, ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कितना साफ सुथरा है, कोई परेशानी नहीं है कुछ भी। और ये देखिए, हमने जिस पीडियाट्रिक्स में जाना है बच्चों के डिपार्टमेंट में, तो ये उसका रिसेप्शन है। और यहाँ से देखिए अंदर हम जा रहे हैं। और आप इसका एंट्रेंस ही देखिए दोस्तों, कितना शानदार है। यहाँ पर देखिए LED स्क्रीन लगी हुई है और ये कंप्लीट बच्चों का है, और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, देखिए कितना शानदार बना हुआ है। क्योंकि बच्चों का ये होता है कि बच्चे परेशान करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने खिलौने रखे हुए हैं और काफ़ी कुछ वो किया हुआ है, अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि बच्चों का मन लगा रहे। अब ये देखिए यहाँ पर रिसेप्शन से आ जाता है, और यहाँ पर मास्क भी है, मास्क भी आप ले सकते हैं, कोई भी मास्क यहाँ पर।
हमने भी एक मास्क ले लिया है। अब देखिए आपको यहाँ पर नज़र जा रही है, तो दोस्तों आप विश्वास कीजिएगा, ये सरकारी अस्पताल है, ये कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, और ये कंप्लीट बच्चों का डिपार्टमेंट है। ये देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट बच्चों का, बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। देखो बच्चों के हिसाब से यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं, बच्चों के हिसाब से यहाँ पर थीम बनाई हुई है इन्होंने, ताकि बच्चे किसी भी एंगल से अपने आप को बोर या फिर डरा हुआ महसूस ना करें। काफ़ी शानदार लग रहा है, देखिए अपनी जेब से 5 पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, सरकारी है पूरा पूरा। और ये देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, और कई लोग अपने बच्चों का भी अच्छा टाइम पास हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये ऑडियोलॉजी रिसेप्शन एरिया, मतलब अगर बच्चों में कोई कान में तकलीफ है तो उसका एरिया। तो दोस्तों देखिए, अब हम ये जो अटेंडेंट आ गए हैं, अब हम यहाँ डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर शायद कैमरे को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मना करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, डॉक्टर ने इन्होंने ये बच्चे के को ट्रीटमेंट करें, और इन्होंने काफ़ी नाइसली एक्सप्लेन किया है कि हम हर केसेस में दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती, और कभी कभार जो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ता है तो बिना दवाई के भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि दवाई लेने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यूके में ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि सबसे पहले ये स्ट्रेटजी बताएंगे कि इन तरीकों को अपनाया जाए। तो थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। Thanks doctor, thank you. Bye. तो देखिए दोस्तों, अपने डॉक्टर कितने अच्छे थे, काफ़ी नाइसली इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब हम अस्पताल से बाहर निकलते हैं, तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों देखिए, अब हम हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, और मैं आपको सच्ची में बताऊं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ था। और आपने देखा ये जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट था, यानी छोटे बच्चों का डिपार्टमेंट, और कितना प्यारा कितना सुंदर बना रखा था, ताकि कोई भी बच्चा बोर नहीं हुए, कोई भी रोए नहीं, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लोग थे यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यहाँ पर ये थी कि ये जो डॉक्टर थे कितने डाउन टू अर्थ थे, ये हमें लेने तक आए अपने चैम्बर में, और फिर हमें छोड़ने तक आए, और इन्होंने तकरीबन 40-45 मिनट तक मेरे बच्चे को फुली एग्ज़ामिन किया। तो अपने शायद इंडिया में डॉक्टर्स के पास ना तो इतना टाइम होता है, और अगर टाइम होता भी है तो वो इतना देखते नहीं अच्छे तरीके से, पता नहीं उसका क्या रीज़न है। तो लेकिन दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि यूके में बहुत अच्छा है, और लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसके बारे में आपने देखा होगा, जिसके बारे में डॉक्टर ने भी बोला कि 9 मंथ्स का वेट करना पड़ा हमें अपने अपॉइंटमेंट के लिए। तो एक वही चीज़ थी जो नेगेटिव साइड है यहाँ का, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ। दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरपूर था। अब आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि इंडिया में किस तरीके से इलाज होता है, प्राइवेट और सरकारी में, और यहाँ के सरकारी अस्पताल कैसे हैं, जो बिल्कुल प्राइवेट अस्पतालों को भी टक्कर दे देते होंगे। तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने साथ वाले लोगों को भी आगे शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अब एक और वीडियो में,
तो अभी के लिए मैं आपसे विदा मांगता हूँ, क्योंकि हम अब बस स्टॉप में ये देखिए आ चुके हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, और अभी के लिए बाय बाय।